आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि आयोनिक क्या है। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। आयोनिक एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओके, ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो डेवलपर्स को क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करने की सुविधा देता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करने की सुविधा देता है ये फ्रेमवर्क। वेब टेक्नोलॉजीज जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हाइब्रिड मोबाइल एप्स बनाने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? हाइब्रिड मोबाइल एप्स बनाने में मदद करता है आपको। आयोनिक का प्राइमरी फोकस हाई क्वालिटी परफॉर्मेंट मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट करना है जो एंड्रॉइड, iOS और वेब प्लेटफॉर्म्स पर रन हो सकती हैं। तीनों पर, एंड्रॉइड, iOS और वेब प्लेटफॉर्म, मतलब एक ही सोर्स कोड लेकिन एंड्रॉइड पर भी चलेगा, iOS पर भी चलेगा और वेब पर भी, यानी ब्राउजर्स पर भी। आयोनिक फ्रेमवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और कंपोनेंट्स समझना जरूरी है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। आयोनिक आपको एक ही कोड बेस का यूज करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशंस डेवलप करने की सुविधा देता है। ये डेवलपमेंट टाइम और एफर्ट दोनों को रिड्यूस करता है। दूसरा है वेब टेक्नोलॉजीज। आयोनिक वेब टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है, यानी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पर, और एंगुलर फ्रेमवर्क के साथ टाइटली इंटीग्रेटेड है। आयोनिक के लेटेस्ट वर्जन्स, यानी आयोनिक 4 और उसके बाद के वर्जन्स, फ्रेमवर्क एग्नोस्टिक हैं और रिएक्ट, Vue.js और प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज हो सकते हैं, है ना? अच्छी बात। तो एंगुलर पर ही नहीं, ये रिएक्ट, Vue.js और प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं आप। तीसरा है UI कॉम्पोनेंट्स। आयोनिक एक रिच सेट ऑफ प्री डिजाइंड UI कॉम्पोनेंट्स और थीम्स प्रोवाइड करता है जो रेस्पॉन्सिव और कस्टमाइजेबल हैं। ये कॉम्पोनेंट्स नेटिव लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं, जैसे बटन्स, कार्ड्स, फॉर्म्स, लिस्ट्स, टैब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चौथा है कैपेसिटर या कोडोवा। आयोनिक एप्लीकेशंस को नेटिव डिवाइस फंक्शनैलिटीज जैसे कैमरा, जियो लोकेशन, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा, इनको एक्सेस करने के लिए कैपेसिटर या कोडोवा प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं आप। कैपेसिटर आयोनिक का ऑफिशियल क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव ब्रिज है जो मॉडर्न फीचर्स और इम्प्रूव परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। पांचवा है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। आयोनिक फ्रेमवर्क वेब व्यूज जैसे WK वेब व्यू ऑन iOS एंड वेब व्यू ऑन Android, इनका यूज करके एप्लीकेशंस रन करता है। तो आयोनिक फ्रेमवर्क वेब व्यूज का यूज करके एप्लीकेशंस रन करता है। ये फ्रेमवर्क हार्डवेयर एक्सेलरेशन और दूसरे ऑप्टिमाइजेशंस का यूज करके स्मूथ परफॉर्मेंस एंश्योर करता है। छठवा है आयोनिक CLI, यानी आयोनिक कमांड लाइन इंटरफेस। आयोनिक कमांड लाइन इंटरफेस डेवलपमेंट वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करता है। ये प्रोजेक्ट क्रिएशन, बिल्डिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए हेल्पफुल कमांड्स प्रोवाइड करता है। सातवा है लाइव रिलोड। आयोनिक लाइव रिलोड फीचर आपको कोड चेंजेस करते ही एप्लीकेशंस को इंस्टेंटली अपडेट करने की सुविधा देता है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। आठवा है आयोनिक नेटिव। ये सेट ऑफ टाइपस्क्रिप्ट रैपर्स हैं जो कोडोवा प्लगइन्स का यूज करने में आसान बनाते हैं। ओके, ये सेट ऑफ टाइपस्क्रिप्ट रैपर्स हैं जो कोडोवा प्लगइन्स को यूज करने में आसान बनाता है, जो स्ट्रॉन्गली टाइप्ड APIs प्रोवाइड करता है, जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है। नौवा है आयोनिक ऐप फ्लो। ये कमर्शियल सर्विस है जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, यानी CI/CD कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है। ये आपको ऑटोमेटेड बिल्ड्स, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन और लाइव अपडेट्स मैनेज करने में हेल्प करती है। आयोनिक फ्रेमवर्क का यूज करके डेवलपर्स क्विकली और एफिशिएंटली हाई क्वालिटी मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर सीमलेसली रन हो सकती हैं। आयोनिक का वास्ट इकोसिस्टम और एक्टिव कम्युनिटी इसे एक पॉपुलर चॉइस बनाते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया कि आयोनिक क्या है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस इस चैनल पर आते रहें तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहें। इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बेल आइकन प्रेस करते हैं तो ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको, वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस और नोटिफिकेशंस आप मिस कर जाएं। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ वीडियोस आपके लिए यहां पे डाल के जा रहा हूं, तब तक के लिए गुड बाय।